बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की कुछ लेटेस्ट खबरें फटाफट अंदाज में। श्रद्धा कपूर इस वक्त बॉलीवुड की सबसे सफल स्टार्स में से एक है। उनको लेकर खबर थी कि वो लव रंजन के रणवीर कपूर स्टार फिल्म में नजर आने वाली हैं। फिर खबर आई कि श्रद्धा कपूर छिछोरे के बाद फिर से नितेश तिवारी की ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण में भी काम कर सकती हैं। लेकिन अब श्रद्धा ने इन दोनों ही खबरों को अफवाह बताया है। अक्षय कुमार अपने फिल्म पृथ्वीराज चौहान की बायोपिक को लेकर खबरों में हैं, लेकिन चंबल के पूर्व डाकू मलखान सिंह ने अक्षय कुमार को उनकी आने वाली फिल्म पृथ्वीराज में ऐतिहासिक तत्वों से छेड़छाड़ न करने की चेतावनी दी है। मलखान सिंह का कहना है कि उनके पूर्वज खेत सिंह को भी इस फिल्म की कहानी का हिस्सा बनाया जाए, ऐसा नहीं किया गया तो जरूरत पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। साहो के अपार सफलता के बाद साउथ एक्टर प्रभास सातवें आसमान पर है। अब खबर है कि प्रभास की अगली फिल्म का टाइटल जानूंगा। इस फिल्म में प्रभास बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े के साथ रोमांस करते दिखाई देंगे। खबर तो ये भी है कि प्रभास इस फिल्म में शर्टलेस होने के बाद दर्शकों को फिट बॉडी दिखाएंगे, जिसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। करण देवल ने फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में कदम रखा है। खबर आई थी कि डेब्यू के बाद करण इंद्र कुमार की कॉमेडी फिल्म में दिखेंगे, क्योंकि उन्हें पल पल दिल के पास का ट्रेलर पसंद आया। लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के बाद इंद्र कुमार ने अपना मन बदल लिया है और अब उसकी जगह सिद्धार्थ मल्होत्रा होंगे। एक इंटरव्यू में सलमान खान ने खुलासा किया है कि 2020 पर वो अपनी फिल्म लेकर आएंगे, लेकिन ये फिल्म राधे नहीं होगी। वो प्रभुदेवा के निर्देशन में बन रही फिल्म में दिखाई देंगे। हाल ही में सलमान और प्रभुदेवा मिलकर किसी फिल्म पर काम कर रहे हैं, इसका खुलासा नहीं हुआ है। करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा डांस रियलिटी शो में नजर आए। इस मौके पर प्रियंका और करीना ने अपने फोटो शेयर किए। बता दें, प्रियंका अपनी फिल्म द स्काई इज पिंक को प्रमोट करने के लिए शो में शामिल हुई। इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर की खबरें सुनने को मिलती हैं। प्रियंका चोपड़ा ने भारत छोड़ने पर अब तक कोई बयान नहीं दिया था। हाल ही में अपनी फिल्म प्रमोशन के दौरान प्रियंका ने कहा कि अगर इस बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं, अगर किसी रिएक्शन की इस पर जरूरत होती तो आपको पहले ही मिल गया होता। सलमान एक बेहतरीन इंसान है, अब लगता है इन दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है। खबरों की माने तो संजय लीला भंसाली की एक फिल्म में कृति सनन नजर आ सकती हैं। बता दें कि कृति इस वक्त अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन खबर है कि वो भंसाली फिल्म में एक छोटा सा कैमियो रोल कर सकती हैं। हालांकि इनका रोल कैसा होगा, किस फिल्म के लिए बातचीत चल रही है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। आर माधवन के बेटे वेदांत ने उन्हें एक बार फिर से प्राउड फील कराया। जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2019 में जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया और अब एशियन ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में पदक जीता। और बेटे की जीत के बाद माधवन खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से खुशी का इजहार किया है। माधवन ने अपने बेटे की तस्वीर भी शेयर की है। सीरियल कसौटी जिंदगी में हीना खान ने कमोलिका के रोल में खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब कमोलिका की कैरेक्टर खत्म कर दिया गया, लेकिन अब खबर है कि हीना खान की शो में वापसी नहीं होगी, बल्कि नई एक्ट्रेस कमोलिका का रोल प्ले कर रही हैं। हीना खान ने भी नई कमोलिका को अपनी विशेष ट्विटर के माध्यम से दी है।